नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद, और मैं हूं आपके साथ राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट, अब इसको लेकर सियासत अचानक गर्मा गई है। अब सवाल यह है कि नेताजी का वारिस यहां पर कौन होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने पिता की विरासत वाली सीट पर कोई रिस्क न लेते हुए अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारने का फैसला किया है। यह तो पहले से ही तय था कि मैनपुरी सीट से सैफई कुनबे का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने परिवार के बाकी सदस्यों को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। इसके पहले अटकलें लग रही थी कि मैनपुरी से मुलायम के भाई के पौत्र तेज प्रताप यादव, मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव या फिर मुलायम के छोटे भाई। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। भोपाल में से किसी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा कि जिन नामों को मैंने गिनाया, मुलायम परिवार के ये नेता मैनपुरी से चुनाव लड़ना भी चाह रहे थे, कई लोग तो एक्टिव भी हो चुके थे, लेकिन अब इनका पत्ता कट गया। अब बीजेपी कह रही कि समाजवादी पार्टी परिवार के भीतर भी परिवारवाद ला रही है, लेकिन सवाल यह है कि डिंपल के मुकाबले मैनपुरी से बीजेपी अब किसको उतारेगी। अंदर खाने चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि बीजेपी मुलायम की छोटी बहू पर दांव खेल सकती है, अपर्णा यादव को जेठानी के मुकाबले मैदान में उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि मैनपुरी का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो जाएगा। मैनपुरी को लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं, डिंपल के मुकाबले कौन मैदान में उतर सकता है, ये जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। भाई भतीजा की खत्म आस, मैनपुरी में नेताजी की बहु पास। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनाव में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। अखिलेश ने नहीं लिया रिस्क, नेताजी की सीट पर पत्नी फिक्स। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है, चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुए यादव परिवार के अभेद्य दुर्ग मैनपुरी का पर्चा आउट हो चुका है। मैनपुरी से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर तेजी से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव पिता की विरासत वाली सीट पर कौन सा दांव खेलेंगे। मैनपुरी सीट को लेकर एक बात तो पहले से तय थी कि यादव परिवार का ही कोई सदस्य मैदान में उतरेगा। यादव परिवार के कई दावेदार मैनपुरी सीट को ललचाई नजरों से देख रहे थे। मैनपुरी सीट पर ताल ठोकने के लिए मुलायम के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव लालायित थे। तेज प्रताप यादव पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। मुलायम के छोटे भाई अभय राम यादव के बेटे और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए ख्वाहिशमंद थे। इनके अलावा मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव की नजर भी इस सीट पर थी, लेकिन इन सबको पछाड़ कर डिंपल यादव ने बाजी मार ली है। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव के बेटे बेटी की उम्र अगर चुनाव लड़ने लायक हो गई होती तो वो उन्हीं को मैदान में उतार देते। इसका मतलब ये हुआ कि नेताजी जिस तरह से अपने कुनबे को बांध कर चलते थे, अखिलेश यादव उस तरीके से दरिया दिली नहीं दिखाएंगे। अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है तो नहीं तो उनको लाते, तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप
जो कि वहां पर दो उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, उनको भी दरकिनार कर दिया। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। शिवपाल यादव तो कुछ दिन पहले आगरा में दबी जुबान अपनी इच्छा जाहिर भी कर चुके थे। आगरा में शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि क्या आप मैनपुरी के मैदान में ताल ठोकेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, निर्णय तो आप ही को लेना है। अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है। अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। समाजवादी पार्टी में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या प्रस्ताव में भले करेगी? चर्चाएं बड़ी जोर चल रही है कि आपको समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब समय आने दो, प्रस्ताव आने दो, तब सवाल करना ही। साफ है कि तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव की हसरतों पर पानी फेरते हुए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को मैनपुरी के मैदान में उतार दिया। दिलचस्प ये है कि मुलायम के निधन के बाद लोकसभा में यादव परिवार का एक भी सदस्य नहीं है। अखिलेश यादव ने पिता की जगह पत्नी को लोकसभा भेजने का फैसला कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का काम सिर्फ नारा लगाना है, चुनाव लड़ने का सौभाग्य तो सैफई कुर्मे के लोगों को ही मिलता है। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है, चुनाव तो केवल सैफई कुंबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव पर दांव क्यों नहीं खेला? आखिर क्यों उन्होंने पिता मुलायम की विरासत मैनपुरी सीट पर रिस्क नहीं लिया? इसके पीछे कुछ वजहें हैं जिन्हें आप समझ लीजिए। पिता मुलायम की विरासत खुद अपने पास ही रखना चाहते थे अखिलेश। 2019 में कन्नौज सीट पर हार के बाद अखिलेश पत्नी डिंपल को सेट करना चाहते थे। जैन चौधरी की दावेदारी की वजह से डिंपल को राज्यसभा नहीं भेज पाए थे अखिलेश। तेज प्रताप, धर्मेंद्र या शिवपाल में से किसी एक को लड़ाते तो बाकी दो कलह करते। डिंपल यादव के नाम पर तीनों जुबान बंद रखेंगे। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट यादव परिवार का अभेद्य दुर्ग है। इस सीट पर सबसे पहले मुलायम सिंह यादव 1996 में चुनाव लड़े थे। 1996 से ही इस सीट पर सैफई के यादव परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ता रहा है और जीत हासिल करता रहा है। मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी में सहानुभूति लहर की पूरी संभावना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर डिंपल को शिकस्त देने वाले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि डिंपल को उम्मीदवार बनाने से ये और ज्यादा साफ हो गया है कि समाजवाद के नाम पर बनी पार्टी परिवारवाद में जाकर सिमट गई है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए। माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब भर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया, माने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी ने तो अपना पर्चा आउट कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी मैनपुरी से कोई मजबूत उम्मीदवार उतारेगी या फिर सहानुभूति के नाम पर डिंपल यादव को वॉक ओवर दे देगी? बीजेपी नेताओं के तेवर देखकर लगता तो नहीं है कि पार्टी अखिलेश यादव को खुला खेल फरूखाबादी खेलने देगी। मैनपुरी में मुलायम की बहुओं के बीच मुकाबला, डिंपल के मुकाबले अपर्णा को उतारेगी बीजेपी? सवाल यह है कि क्या बीजेपी मैनपुरी से मुलायम की दूसरी बहू अपर्णा यादव पर दांव खेलेगी? क्योंकि मुलायम परिवार से बाहर किसी उम्मीदवार की मैनपुरी से जीत की उम्मीद नहीं के बराबर है। ऐसे में बीजेपी अगर अपर्णा को उतार देती है तो मैनपुरी का मुकाबला काफी रोचक हो जाएगा। बीजेपी ने बेशक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह के दावे वो कर रही है उससे लगता है कि मैनपुरी में वो डिंपल के मुकाबले कोई मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी।
भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनाव में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे। अखिलेश को पूरी उम्मीद है कि 1996 से शुरू हुआ जीत का सिलसिला इस बार भी नहीं थमेगा। मैनपुरी लोकसभा सीट सैफई कुनबे का अभेद्य किला क्यों है, इसे भी जान लीजिए। मैनपुरी जिले में कुल 17,40,000 मतदाता हैं और इनमें से अकेले यादव वोटर 7,00,000 हैं। दूसरे नंबर पर शाक के मतदाता हैं, जिनके करीब 3,00,000 वोटर्स हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के मुकाबले बीजेपी ने प्रेम सिंह शाके को उतारा था, जिन्हें 4,00,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि मुलायम सिंह यादव को 5,00,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मुलायम की जीत का अंतर तब 1,00,000 से भी कम था। यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि मैनपुरी उपचुनाव में अगर मजबूत उम्मीदवार उतार दिया गया तो सैफई कुनबे के अभेद्य दुर्ग में सेंध लगाई जा सकती है। इसके लिए अपर्णा यादव से बेहतर उम्मीदवार दूसरा नहीं हो सकता। बीजेपी कह रही है कि मैनपुरी की जनता इस बार परिवारवाद के नाम पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद ये अब भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी। मैनपुरी में कमल खिलेगा। बीजेपी के इस तेवर को देखकर सबकी निगाहें अपर्णा यादव पर टिक गई हैं। अगर अपर्णा यादव अपनी जेठानी के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हो जाती हैं, तो मैनपुरी का मुकाबला काफी कांटेदार हो जाएगा। तब डिंपल की जीत की राह आसान नहीं रह जाएगी। बीजेपी क्या फैसला लेती है, बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30,00,000 तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।